गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। बट अच्छा सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। तेरी भी क्रिसमस, मेरी भी क्रिसमस। तो आज क्रिसमस के दिन हम लोग घूमने जा रहे हैं और एक तो हम लोग एक्चुअली लेट हो गए हैं। कितना बज रहा है टाइम? 9 बज गया है। कहाँ सुबह हम लोग का 6 बजे निकलने का बात था कि 6 बजे मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि हम लोग पार कालिंगपोंग जा रहे हैं। तो अभी 9 बज गया है, 3 घंटा ऐसे ही लेट हो गए हैं। और अभी सडनली इनका मोबाइल मास्क दोनों इन्होंने छोड़ दिया घर पर, ये भी लेट हो गए और लेट पर लेट पता नहीं कितने बजे तक पहुंचेंगे क्योंकि फिर हम लोग को इवनिंग के टाइम में रिटर्न वापस घर पे भी आना है। तो देखते हैं। तो अभी फोन किए हैं घर पर, आ रहा है इनका मास्क और फोन। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं ऑन द वे टू कालिंगपोंग। बहुत मस्ती होगा, फुल डे मस्ती। तो हम लोग रास्ते में हैं, देखते हैं लगभग 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। कर चुके हैं और रास्ता बहुत ही मजेदार है, मजा आ रहा है, बहुत एकदम गोल गोल। एंड अभी पहुंचने के बाद दिखाते हैं कि वहां पर क्या क्या है। पहले पहुंच गए हैं और यहाँ पर रास्ता में जैसे कि आप देखिए थोड़ा उधर जो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए सुन के क्योंकि हम लोग को भी पैराग्लाइडिंग करना है। तो चलते हैं बाहर और बात करते हैं कि क्या है, कितना कोस्ट लेते हैं और कैसे क्या होगा। तो चलिए चलते हैं। वेदर है पूरा अच्छा, वेदर है ना भैया आज का? 2-3 दिन से अच्छा ही है। तो कैसा लग रहा है? साइन इन करिए लोग ना जल्दी जल्दी। कैसा लग रहा है? वाह। तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और ये वसीयत है जो इन लोग के पास छोड़ा जाएगा ताकि अगर आपको मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। और हम लोग बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर होगा। पूरा मस्त वेदर है, आज का वेदर बहुत ज्यादा ही हसीन है। धूप हुआ है, उतना ठंड नहीं है बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है। तो यहाँ सिर्फ हम ही 3 पैराग्लाइडिंग करेंगे और जो साथ में बुआ जी की बेटी है वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनका वेट कम है और इन लोग का जो क्राइटेरिया है 35 प्लस से लेकर 120 तक ही है और इनका वेट 30 ही है। इस कारण इनको उन लोगों ने नहीं करवाया और हम 3 ही पैराग्लाइडिंग करके एंजॉय कर रहे हैं और ये नीचे से ही देखकर एंजॉय करेंगी।
हम दूर चलिए जाएंगे। ऐसा मत बोलिए, चलिए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ठंडा भी है, हवा भी बहुत चल रहा है और हम लोग को जाना है। खतरों का खिलाड़ी वाला सीन हो गया है, डर भी लग रहा है बट करना भी है, बट देखते हैं क्या होता है। अभी स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहले जा रही है ये खतरों की खिलाड़ी। मजा आएगा, डर भी अंदर से लग रहा है बट खेलने का भी बहुत दिल है, देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए चलिए चलिए, पूरा कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? मज़ा। आपका भी टाइम आएगा। देखिए ये उड़ान के लिए बिल्कुल रेडी है। ओ गई गई, बाय बाय गुड़िया जी, बाय बाय। चली गई। तो इधर ये गई और इधर मेरे हस्बैंड भी पूरा रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये देखो, लीजिए पूरा लीजिए, ये उड़ गए। और ये आसमान के ऊंचाइयों पे, ओ सुपर, ये व्यू सिंपली ऑसम है। अब लैंडिंग टाइम हो गया है, पाँव को हमें स्ट्रेट रखना है ऊपर की ओर और ये अब धीरे धीरे नीचे उतारेंगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुपर। लैंडिंग बॉय। तो अभी मैं आप लोग का यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। पूरा बहुत जीव सा हवा चल रहा है, पूरा हेयर्स खराब हो गया है, तो हेयर्स को इग्नोर करिएगा आप लोग एंड व्यू पे फोकस करिए। कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, बहुत मजा। हेयर्स व्यू आप देख सकते हैं कितना क्लियर है, आज का वेदर बड़ा मस्त है, बहुत भीड़ भी है यहाँ पर। ये पूरा व्यू है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, लेकिन अजीब सा एक हवा भी चल रहा है, बहुत हवा चल रहा है, ठंडी वाली हवा, बट बहुत मजा आ रहा है एंड अब मैं जाऊंगी। ये बहुत मजा आ रहा है। लैंडिंग, लैंडिंग हो रही है, लैंडिंग हो रही है, दौड़ पड़े हैं सब लोग लैंडिंग कराने के लिए। अभी इनको कैसा फील हुआ है, चलिए कैसा फील हुआ? बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा ऑसम। हाँ मजा आया, डर लगा? डर लगा? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। एक्सपीरियंस मस्त था, फर्स्ट टाइम ना? भैया भैया कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? भैया कितने टाइम से? 5 इयर्स।
अब कैसा लग रहा है? पूरा एक्साइटेड हूँ मैं। कैसा था एक्सपीरियंस? Awesome, बहुत मजा आया। सीरियसली कुछ भी फील नहीं होता यार। अच्छा लगा? डर लगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत मजा आ रहा था। ठंडा लगा? ठंडा भी उतना नहीं लग रहा था, बट ठीक है, मजा आ रहा था। थोड़ा हवा से पूरा हाथ जाम हो रहा था, फ्रीज हो जा रहा है ना हाथ। और उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है ना, तो बहुत अच्छा से करवाया, डबल डबल राउंड भी करा दिए। जाओ सारा चीज छोड़ छाड़, मोह माया छोड़ो, हवा में रहो। काश एक टाइम ऐसा भी आए जब साइंस मतलब और भी ज्यादा प्रोग्रेस करे और हवा में रहना आदमी स्टार्ट करे, कितना मजा आएगा। बहुत मजा आ रहा करने के बाद फाइनली हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। आ जाओ तरिया से, वन 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 रन 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 पहुंच जाओगे मैम। रन 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 करके नीचे पहुंच जाएंगे। पहाड़ पे बहुत आराम से उतरना पड़ता है बैलेंस बनाकर, और ये लोग भी नाजुक कली को लेकर चलना पड़ेगा हाथ पकड़ कर। ये देखिए इसका पैर बहुत स्लिप कर रहा है, इसलिए मैं खोलूं क्या प्लग तक स्लिप कर रही है। देखिए क्या खाया जा रहा है, टेस्टी है कि नहीं। हम लोग पहुंच गए हैं डेलो का पार्क, और ये है डेलो पार्क। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उद्घाटन करेंगे फुचका से, तो सबसे पहले हम लोग खाएंगे गोलगप्पा, उसके बाद जाएंगे ऊपर। लीजिए ना। ये है पार्क का गेट। सो यहाँ पर मैंने एंट्री फी ले लिया है। आई लव कालिंपोंग। और ये है पूरा जो
बोल रही है। तो ये देखिए व्यू, बहुत ठंड है यार सीरियसली यहाँ पर। दोनों ही दुबरी धूप हुआ है बट फिर भी ठंड लग रहा है। तो हम लोग थोड़ा ऊपर रहे और ये कितना सुंदर यहाँ ऊपर का व्यू, एंड यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। क्या है झूला में, दिखाइए झूला में क्या है, क्या है झूला में, छोला में कुछ तो है। तो अभी हम लोग कुछ कुछ पैक करके लाए हैं घर से, वो फटाफट खा लेते हैं उसके बाद फिर और घूम। ये जो आप पीछे प्लेस देख रहे हो ना, ये देखकर मुझे बहुत कुछ याद है, मतलब ताजा हो गया है। शादी से पहले मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, मेरा प्री वेडिंग एक दिन का, एक दिन यहाँ पे शूट हुआ था, दो तीन दिन शूट हुआ था लेकिन सब अलग अलग जगह पे हुआ था, बट जो फर्स्ट डे हुआ था वो यहीं डिल्लो में हुआ था और यही वो प्लेस है जहाँ पर हुआ था। तो बहुत कुछ याद आ गया, मतलब यादें ताज़ा हो गई। और वही वाला फील हो रहा है कि उस टाइम भी बहुत ठंड था, पूरा हाथ फ्रीज हो जा रहा था, काम नहीं कर रहा था, बहुत ठंड लग रहा था, बस उसी ठंड में भी प्री वेडिंग शूट हुआ था, तो बहुत मज़ा आया था। सो यही है, पूरा पार्क है यहाँ पर, लोग पिकनिक मना रहे हैं, घूम रहे हैं, यही सब कर रहे हैं और पार्क में क्या होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा नीचे, देखते हैं मार्केट साइड में अगर गए तो क्या है वहाँ पर। बहुत अच्छा पार्क है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पर हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं और फ़ोटोज़ भी बहुत मस्त मस्त आया क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत था, हर तरफ ग्रीन ग्रीन। और सारा फ़ोटोज़ मैं अपने इंस्टा पे अपलोड करूँगी, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी कर ले। मेरा इंस्टा आईडी मैं अपने स्क्रीन पर मेंशन कर दी हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। एंड यहाँ से अब हम निकले हैं डेलो मार्केट और देखते हैं कि डेलो का मार्केट कैसा है। ये है पूरा यहाँ का मार्केट, उलेन कलेक्शन भर भर के है क्योंकि इधर ठंडा ही इतना पड़ता है कि उलेन तो भर भर के रहना ही पड़ेगा। चलिए घर जाने से पहले चलते हैं चर्च और वहाँ जाकर थोड़ा प्रे करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है। जैसे मंदिर में जाकर अच्छा वाला फीलिंग्स आता है वैसे ही चर्च में भी जाकर बहुत अच्छा लग रहा था, और स्पेशल डे में ज़रूर जाना चाहिए, बहुत मतलब अच्छा लगता है अंदर से। ये सब बोलने वाला चीज़ नहीं है, बस फील कर सकते हो आप कि आपको कैसा लगता है। सो बहुत अच्छा लग रहा था एंड बहुत अच्छा डेकोरेशन भी था। और आप देखिए प्रे करते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ पे लिखा भी है प्रेम शांति का संदेश देता है क्रिसमस,
तो अगेन मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चर्च से हो आए हैं और अभी रात का 9 बज गया है एंड अब हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद वापस घर जाएंगे। तो हम लोग आए हैं अर्शलान में और यहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे, तो चलिए चलते हैं। डिनर करेंगे और वापस घर जाएंगे, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा बैटरी जो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया है। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग देखकर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और मुझे पैराग्लाइडिंग करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि किस किसने पहले पैराग्लाइडिंग कर चुका है या करने का सोच रहा है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you.